हेलो प्यारे बच्चों, आज ये आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। फिर से आपको थोड़ी सी बातें बतानी केमिस्ट्री की, थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको आसान बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपने इसके पहले के लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, आपको अच्छे से पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ लिया अपन लोग ने? कम ऑन, चिल्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या क्या पढ़ लिया? शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन पोटेंशियल। और आज पढ़ने बैठे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। केमिस्ट्री में दोनों का मतलब एक ही है, फिजिक्स में थोड़ा साइन चेंज हो जाता है, बट डोंट वरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और दूसरा अपन लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इसके बारे में प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए एक लंबी सांस ले लीजिए, जय श्री राधे बोलते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आईपी जो होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो क्या होता है? किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से ग्राउंड स्टेट में अगर हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता था कैटायन। ये हमने पढ़ा था पिछले टर्म में, पिछले वीडियो में आपने ये बात नोटिस की थी कि सर ने ये बातें की। इसका उल्टा कर रहा हूं मैं अभी अभी मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसमें जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन लूज नहीं, गेन, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान से सुनो, देखो रिक्वायर्ड थी तो मैंने प्लस साइन के साथ लिखा था, रिलीज हो रही तो मैंने क्या लिखा? नेगेटिव साइन के साथ। मतलब आईपी एंडोथर्मिक था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक। बात समझ पा रहे हैं? मतलब डिफिनेशन अगर बोलने के लिए बोला जाए तो क्या बोलूंगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करे? जब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है प्यारे बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड श्योरली इसकी भी यूनिट क्या होगी? वही जो एनर्जी की थी आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले की, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, सेम होगी। ठीक, पक्का? एक छोटा आइडिया दिया मैंने, अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं फटाफट। क्या कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? कहता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा टू द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक, बहुत सिंपल, आपको फटाफट समझ में आ गया होगा। यहां सर जो बोलना चाह रहे हैं समझ में आ तो गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। उसी बात को उन्होंने ऐसे लिखा कि अब पढ़ना क्या है, आप प्यारे बच्चे बहुत ध्यान समझना, कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब तो एनर्जी रिलीज होगी, वो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, क्योंकि पहली बार में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। मतलब एक्स में इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया, बन गया एक्स माइनस। एकदम सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एकदम बढ़िया। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आपको भी पता है साइज स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और साइज इंक्रीज हो गया, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई? न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? पहले के कंपेयर में कम। तो इसका मतलब ये कि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे प्यारे बच्चों, तब एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि रिक्वायर्ड हो जाएगी, है ना? मतलब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो वो एक्सो नहीं होगा पहले वाली की तरह, रिलीज नहीं होगी, रिक्वायर्ड होने लगेगी एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद साइज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। तो कहा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लाइन आप पढ़ रहे हो, कि सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो नेगेटिव नहीं होता, वो क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों होता है? मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ये भी ना लगे कि क्यों होता है सर, तो ये क्लियर कर दिया मैंने ना? क्योंकि आप जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते हो साइज इंक्रीजेस और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई अगला इलेक्ट्रॉन वो आसानी से गेन नहीं करेगा, आपको जबरदस्ती गेन करवाना पड़ेगा, देन एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड। इसलिए मैंने बोला सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव। ठीक, क्लियर एकदम प्यारे बच्चों? चलो बहुत आसान बात थी। देखिए आप एग्जाम्पल से बात को समझिए। देखिए ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो नेगेटिव साइन के साथ थी, दूसरे के टाइम में देखो पॉजिटिव हो गई, तीसरे के टाइम में देखो पॉजिटिव हो गई, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी नेगेटिव, बाकी क्या होंगे? पॉजिटिव। अब एज यूजुअल अब हम लोग बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है, फिर आप देखो फटाफट समझोगे क्योंकि पहले के दो समझ लिए हो ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला कह रहा है एटॉमिक साइज,
सर अभी तो सीखा कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होगा, मुश्किल, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम। तो वही तो लिखा है, एटॉमिक साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, दैट मीन्स एटॉमिक साइज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन नहीं होगा, मतलब एनर्जी अमाउंट क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं खींच पाएगा। सोचो ना, खुद ही खुद सोचो, न्यूक्लियर चार्ज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा खींच पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक साइज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज, कब से ये बात पढ़ते आ रहे हो कि न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ये कब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? तो अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, मुझे लग रहा है आप समझ गए बात को, कि जेड इफेक्टिव सर अगर ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, थर्ड कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, सेम कॉन्सेप्ट आईपी की तरह। अगर मैं हाफ फिल्ड हूं मतलब मैं स्टेबल हूं, तो आप इलेक्ट्रॉन मुझे दोगे मैं गेन नहीं करूंगा। मैं फुल फिल्ड हूं मतलब मैं मोर स्टेबल हूं, अब हाई हाईली स्टेबल हूं, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा भैया, नहीं करूंगा। तो वही वो कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की वेरी लेस या जीरो होती है ना? या आप कह सकते हैं दीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, रिलीज नहीं होगी क्योंकि स्टेबल है ना। आपको अगर इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, रिक्वायर्ड हो जाएगी, इसीलिए देखो लिखा है पॉजिटिव। वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, फर्स्ट नेगेटिव। लेकिन जो हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, या नोबल गैसेस की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनके केसेस में क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। वैसे तो करेंगे ही नहीं ना जीरो, आप जबरदस्ती अगर करोगे तब वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी NS1 और NS2 में किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली NS1 की, 2 की नहीं क्योंकि फुल फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। लेकिन जो 1 है वो चाहेगा कि गेन कर लूं, फटाक से 2 हो जाऊं और क्या हो जाऊं, स्टेबल। तो अगर कभी कॉन्फिगरेशन में कंपेयर करना आया कि NS1 और NS2 वाले कॉन्फिगरेशन आए तो किसकी ज्यादा होगी, NS1 की। वैसे ही NP2 और NP3 में किसकी ज्यादा होगी, फिर से देखो, P मैक्सिमम कितने 6, हाफ फील्ड कितना 3, अभी हाफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा, जबकि 2 वाला क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा क्योंकि 2 है, और जैसे ही वो गेन करेगा इट बिकम 3 और वो हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करने लगेगा। तो 2 वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी देन 3, बहुत सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में बात आ गई होगी, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन क्या है, तो बड़ा सिंपल है भैया जी, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, मतलब पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, हर बार की तरह। इसका भी वही लॉजिक है जो आईपी में था, जो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज डिक्रीज का था, अभी भी वही कहानी है। क्यों भैया, कोई पूछे क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए सर। ग्रुप में भैया क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है और जो न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड है, आप समझ रहे होंगे, साइज बढ़ने से उसका मैग्नीट्यूड क्या होने लगता है, कम, ठीक। हर बार की तरह सेम आंसर आपको करना है, हर बार कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज डिक्रीज पूछे, आप एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज का सहारा लीजिए, है ना, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो, सिंपल सी बात ये। चलिए अब थोड़े से वो देख लीजिए, चक्कर क्या है, कह रहा है सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ कॉन्फिगरेशन, क्या क्या लिखूं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 आपको याद ही होगा, 1s2 2s1, ये क्या हो गया 2s2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5, 1s2 2s2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया 2p1, ये हो गया 2p2, ये हो गया 2p3, ये हो गया 2p4, ये हो गया 2p5 और ये हो गया 2p6। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करूं, तो तुम अच्छे समझ रहे हो बच्चा, ये तो नोबल गैस है सर, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे कम होगी। देखो अगर मैं अरेंज करूं तो देखो मैंने सबसे पहले लिखे इसको लिखा है नियॉन को, सबसे कम इसी की है,
उसके बाद किसका नंबर आएगा, तो आपने नोटिस किया सर एक बार ये देखिए ये फुल फिल्ड है और नाइट्रोजन वाला क्या है हाफ फिल्ड है, तो आप सोचो ये हाफ है और ये फुल, कौन ज्यादा फुल, तो नियॉन के बाद, नियॉन के बाद किसका नंबर आया बेरिलियम, उसके बाद किसका नंबर आया नाइट्रोजन, उसके बाद जो एलिमेंट बच गए उनको ठीक वैसे ही लिखने की जरूरत है जैसे वो पीरियोडिक टेबल में लिखे जाते हैं, है ना, जो बच गए उनको मैं लिख रहा हूँ फिर सिंपल वही बोरॉन लिथियम कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑर्डर वाइज। देखो जहां हाफ स्टेबिलिटी मतलब हाफ फील्ड फुल फील्ड या नोबल गैस था उनको पहले सबसे कम वाली लिस्ट में डाला, उसके बाद जो बच गए उनको वही ट्रेंड सेट किया जो होता है नॉर्मली पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगा, ठीक है वही कर दिया मैंने सिंपल, इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, पक्का बच्चा आगे बढ़ जाऊं। ओके चलिए ये क्या लिखा है इंडोथर्मिक आप समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये नोबल गैस ये हाफ ये है फुल फील्ड ये है हाफ फील्ड, तो यहाँ तो ये गेन ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, या तो जीरो होगा या तो अगर आप गेन कराने चाहोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए लिखा है इंडोथर्मिक, ठीक है। अगर मैं ग्रुप में बात करूं तो एक वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, हर ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड पीरियड एलिमेंट का और मैं बात करूं थर्ड पीरियड एलिमेंट के केस में, तो हैलोजन ग्रुप में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, तो हैलोजन का पहला कौन सा होता है फ्लोरीन, दूसरा कौन सा होता है क्लोरीन, है ना। लॉजिक क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर डिक्रीज होती है, तो क्लोरीन का कम होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फ्लोरीन का ज्यादा, बट ऐसा नहीं होता, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों प्यारे बच्चों, वो इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज होता है वो होता है छोटा, और छोटा साइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर तो सकता है ज्यादा, सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बस प्रॉब्लम इतना ही है कि छोटे से घर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने से उसमें क्या डोमिनेट करने लगता है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, और वो हो जाता है अनस्टेबल, कोई इलेक्ट्रॉन गेन इसलिए तो करेगा नहीं कि अनस्टेबल हो जाए, है ना, तो इसलिए लॉजिकली होना चाहिए था फ्लोरीन का, बट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में किसकी हो जाती है क्लोरीन की, 17 ग्रुप में तो चलो है ही क्लोरीन, मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में भी बोल रहा हूँ किसकी हो जाती है क्लोरीन की, ठीक है क्लियर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है देखें कहानी, देखिए आप ध्यान से समझेंगे तो आपको दिखेगा 17 मैंने क्या बोला सेकेंड और थर्ड के बीच का कहानी चल रहा है, देखो 17 में भी पहले क्लोरीन तब फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैसे उधर देखो पहले सल्फर फिर ऑक्सीजन फॉस्फोरस, क्या लिखा सॉरी सॉरी ये ग्रुप की कहानी नहीं है, है ना, ये दूसरा एग्जांपल आपके लिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, आपके पास है सल्फर आपके पास है ऑक्सीजन, मैं उनको ठीक वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे ये पीरियोडिक टेबल में होते हैं, फिर है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये नाइट्रोजन और ये पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही होंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ठीक है चलो लॉजिक पे आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी होगी ऑक्सीजन की होगी, क्लियर हो गया भैया, चलो नाइट्रोजन हमने लिखा, हमने लिखा नाइट्रोजन से ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, और अगर मैं कंपेयर करूं कि ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा होगी, तो वही सेम कहानी छोटा साइज है, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा हो गया वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का, सल्फर का ज्यादा हो गया ऑक्सीजन के कंपेयर में, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसका ज्यादा हो जाएगा फॉस्फोरस का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए ये वाला ऑर्डर लिखा है, और नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन तो ऑलरेडी था तो इसलिए ये दोनों आगे लिखे गए और ये पीछे लिखे गए, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा है, ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं जो बात आपको बता रहा था ऊपर पीपीटी में कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, लॉजिकली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ये थोड़े से चेंज हो जाते हैं, हर ग्रुप में चेंज हो जा रहा है, देखिए आप 14 में हो गए 15 में हो गए 16 में हो गए 17 में हो गए, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड वालों का सेकेंड वालों से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है मेनली इन पी ब्लॉक, ध्यान रखेंगे आप, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप गलत ना करें इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है न्यूट्रल एटम का इट इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन, कह रहा है कि देखो सिंपल सा फंडा, कह रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन गेन करने में वही रिलीज होगी, तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट का आईपी कितना है
प्लस एक्स किलो जूल पर मोल, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा? माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। बस यही बताने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं। ओवरऑल सीधे समझो, आईपी और ईए किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को जोड़ने और निकालने में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी, बस साइन चेंज होगा, बिकॉज वहां रिक्वायर्ड थी और यहाँ क्या है? रिलीज। सिंपल है, छोटी सी बात है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान सुनिए। ये मेरा है न्यूट्रल एटम, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया एक्स पॉजिटिव, मतलब कैटायन बन गया, ठीक। और इस प्लस में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। कैटायन में, कैटायन में, एनायन में, कैटायन में, तब कह रहे हैं इस केस में क्या होगा? साइन नहीं चेंज करना। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही क्या हो गए? बराबर, कैटायन के केस में। और एनायन के केस में क्या था? साइन चेंज। एनायन के केस में क्या था बच्चा? एनायन के केस में क्या था? साइन चेंज, ठीक है। इसको तुम यार लाइन वाइज मत याद करो ना, ऐसे याद करने की क्या जरूरत है? अच्छा ये देखो, मेरी बात ध्यान सुनना। मैं हूँ एक्स प्लस, आपने मेरे में इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मैं आसानी से कर लूंगा कि मुश्किल से, मुझे इतना बताओ। एक्स प्लस, सर प्लस चार्ज लगने से आपका साइज हो गया, आपका छोटा, न्यूक्लियर चार्ज हो गया ज्यादा, आप सर आसानी से कर लोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? रिलीज की रिक्वायर्ड, मतलब आसानी से कर लिया ना, रिलीज क्या हो गई? रिलीज हुई है ना, मतलब कैसी प्रोसेस हुई? एक्सो या इंडो? एक्सो। कैसी प्रोसेस हो गई? एक्सो। समझ रहे हो आप, छोटी सी बात है यार, ठीक है। चलो आगे कह रहा है, कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ये देखो लिखा है 2s2 2p0, ये लिखा है 2s2 2p2, ये लिखा है 2s2 2p3। इन शॉर्ट ऐसे देखो ना, एक लिखा है 2p1, एक लिखा है 2p2, एक लिखा है 2p3 और एक लिखा है 2p0। जीरो का मतलब, अच्छा अब इनमें से सबसे ज्यादा आग किसको लगी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं खटाक से, ये तो 3 है, ये नहीं गेन करना चाहेगा, आप फिर लें क्यों अपना डिस्टर्ब करें, ये कर भी लेगा तो 2 ही पहुंचेगा। आप इसको ध्यान से देखें, 2 है भाई, जैसे ही प्लस एक इलेक्ट्रॉन करेगा वो कितना हो जाएगा? 2p3 अटेन कर लेगा हाफ स्टेबिलिटी। तो क्या लॉजिक क्या है? क्लियरली बी सर आंसर क्या होगा? बी, इसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? हाईएस्ट, ठीक। सिंपल, ये तो बहुत अच्छा था, आसानी से आपने कर लिया होगा। कह रहा है अमंग हैलोजन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन शॉर्ट कह रहा है हैलोजन्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताइए। तो मैंने अभी क्या बोला, लॉजिक ऐसा होना चाहिए था, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, बट आपको पता है स्विच हो जाएगा खेल और हो जाएगा क्लोरीन तब फ्लोरीन ब्रोमीन और, तो आंसर आपको कौन सा दिख रहा है जहां पे ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, ठीक है, ठीक है, मतलब आंसर नंबर सी, ठीक। आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपने नोटिस किया था सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आपको एनर्जी लगी थी वो कितना है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कैटायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो भी कितनी होगी? कितनी होगी सोच के देखो। अभी तो मैंने बोला आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइन चेंज के साथ ही तो लिखे जाने वाले हैं। अगर ये प्लस में लिखा है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो क्या होगा? नेगेटिव साइन के साथ 5.1। बहुत सिंपल, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर खड़ाक से आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलिए अब जो अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कर ली बात इसके बारे में भी या रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे बात करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। तब तक मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप प्रॉपर वीडियो देखे होंगे, एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे, है ना बच्चों। चलिए अपना ख्याल रखिए, जय श्री राधे, मन लगाइए पढ़ाई में और मस्त रहिए। चलो जय श्री।